पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में अपने तूफानी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 5 दिन में प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ 15 रैलियां करने वाले हैं। मोदी आज पुराने मैसूर के चामराजनगर जिले से चुनावी प्रचार का बिगुल फूंक रहे हैं। इसके बाद पीएम बेलगावी के उडुपी और चिकोड़ी में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उडुपी में श्री कृष्ण मठ का भी दौरा करेंगे। अपनी रैलियों से चुनाव का मूड बदल देने वाले नरेंद्र मोदी, भारत माता की, अपने भाषणों से मतदाताओं को रिझाने वाले नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सरकार का जाने का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। चुनाव को अपने इर्द गिर्द समेट लेने वाले नरेंद्र मोदी, कर्नाटक को कांग्रेस मुक्त करके ही रहेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कर लिया है कर्नाटक का रुख। 12 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को मालूम है कि मोदी उनके ट्रंप कार्ड हैं, इसीलिए अब उस ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल करने जा रही है बीजेपी। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं। वो मंदिर मंदिर, मठ मठ टहल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लिंगायत समुदाय को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल तक आप क्या करते थे, और 2013 में जब केंद्र में आपकी सरकार थी तब इसी दरखास्त को निरस्त कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तब सिद्धरामैया जी क्यों कुछ नहीं बोले थे? ये हिंदुओं में बंटवारा करने की प्रक्रिया है, ये कोई लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय का भला करने की योजना नहीं है, येदुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का षड्यंत्र है। तो दूसरी ओर राहुल गांधी भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। मठ मंदिर दरगाह राहुल से भी बाकी नहीं बचा है। हर वो मुद्दा जिस पर कर्नाटक की जनता का दिल जीता जा सकता है, सभी पार्टियां उस पर खुलकर खेल रही हैं। लेकिन अब इस खुले खेल में मोदी का मास्टर स्ट्रोक लगने जा रहा है। नरेंद्र मोदी कर्नाटक में किसी भी रैली को संबोधित करने से पहले उडुपी के इस श्री कृष्ण मठ में पहुंचेंगे। उडुपी में चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां पर उडुपी के सबसे मान्यता वाले तीर्थ स्थल पर श्री कृष्ण मठ भी आएंगे, दर्शन करेंगे भगवान कृष्ण का। कौन नहीं जानता कि धर्म का कार्ड चुनाव में जीत और हार हमेशा से तय करता रहा है। यही वजह है कि मोदी यहीं से अपने कर्नाटक दौरे की शुरुआत करेंगे। तटीय कर्नाटक का ये इलाका जहां हिंदुत्व का कार्ड सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इस मठ की यात्रा को उससे भी जोड़ा जा सकता है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कई मठों में माथा टिका चुके हैं, कई मंदिर जा चुके हैं। जाहिर है अब हर पार्टी के बड़े नेताओं को भगवान का भी सहारा होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मालूम है कि कर्नाटक की नब्ज क्या है, लेकिन जिस मठ में पहुंचकर खुद को धार्मिक बनाने की होड़ लगी है, उस मठ के मठाधीश क्या कहते हैं सुनिए। जो राष्ट्रभक्त हैं, जो गायों का प्रेमी हैं, जो हमारे भूमि में विश्वास करने वाले हैं, धर्मों में विश्वास करेंगे, उसको कृष्ण
अनुग्रह करेगा। चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही प्रचार का भार पीएम मोदी के कंधों पर है। मोदी 5 दिन में ताबड़तोड़ 15 बड़ी रैलियां करेंगे। पहले चरण की रैलियों में पीएम मोदी करीब 48 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। बीजेपी की कर्नाटक इकाई को भी लगता है कि पीएम की रैलियां बीजेपी को मजबूत करेंगी, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस सियासी मैदान में उतने ही तेज और धारदार प्रचार कर रहे हैं। देखना होगा कि पीएम मोदी का कर्नाटक कूच बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा। उडुपी से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लालू प्रसाद यादव। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।